गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेल फ्रेंड्स, दिस इज विकास जैन फ्रॉम एसआईआरटी भोपाल। वेल फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्रामर सेक्शन। वेल, इफ यू जस्ट गो इन योर सिलेबस देन यू विल फाइंड इन योर यूनिट नंबर वन यू फाइंड ग्रामर एंड इन दैट ग्रामर सेक्शन देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड स्पेशली वन ऑफ देम इज वॉइसेस। वॉइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वॉइस? Obviously, you will be saying it's a sound. What we speak, and if it is audible, then we say it's voice. The voice is audible. The voice means awaaz. Yes, more or less same. बिल्कुल. लेकिन जब हम ग्रामर की लैंग्वेज पर बात करते हैं वॉइस की, तो इसका अर्थ होता है वाच। अब ये वाच क्या है? ये वाक्य नहीं है, वाच है। अब बात आती है कि वाच है क्या? ये वाच है क्या? तो दोस्तों, कुछ नहीं, यदि हम अपने कंफर्ट के लिए भी सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट वी से इट्स एक्टिव वॉइस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट वी कॉल इट पैसिव वॉइस। सीधा सा है भाई, जैसे हमने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई एम मोर इंपॉर्टेंट, आई टीच इंग्लिश। यहां पर आई की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और आई ही डूअर है, सब्जेक्ट है, देन वी कॉल इट एक्टिव वॉइस। लेकिन हम कहें कि इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, तो यहां पर इंग्लिश हो गई ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ज्यादा है तो फिर वो कहलाता है पैसिव वॉइस। क्लियर? तो सिंपल, क्लियर है सभी को? अब आपको जो आता है एग्जाम में, जो आता है वो आता है कि आपको क्वेश्चन दिया होता है और लिखा होता है कि चेंज द वॉइस। अब आपको ही पहचानना है कि वो एक्टिव है या पैसिव है। यदि एक्टिव है तो उसे पैसिव में चेंज करना, और यदि पैसिव है तो उसे एक्टिव में चेंज करना है। क्लियर है? अब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाए या पैसिव से एक्टिव बनाए, कुछ भी करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यह पहला स्टेप होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया जाता है। अब ये क्या है भाई? चलो अपन बोर्ड पर देखते हैं ये क्या है। जैसे हमने कहा आई टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो जब पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा English is taught by me. Clear है? Hope कि आपको समझ में आया। ये जो subject था, object था, ऐसे passive voice बनाते समय subject के place पर ले आए, और ये जो subject था ऐसे object के place पर ले गए। ठीक है? अब इस sentence में तो हमें देख के एक second में समझ में आ गया कि subject क्या है और object क्या है। लेकिन दोस्त, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करना पड़ेगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में। जैसे हम कहें आई एम गिविंग अ ग्रैंड पार्टी टू माय ऑल द स्टूडेंट्स who has been placed in the various I'm giving a grand party to my all the students who have been sorry my dear who have been placed in the various companies। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? एक सेकंड में समझ में आ गया, आई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है, बस हमें इतना बताइए। अब आप कहेंगे सर कैसे बताएं, हम तो डिजिटल फॉर्म में बैठे हुए हैं, वर्चुअल क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपने आप आंसर दीजिए, और इंपॉर्टेंट वही है, अ ग्रैंड पार्टी, बिल्कुल। लेकिन यहां पर यदि आप ध्यान दें तो ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन
ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता है। यहां पर सब्जेक्ट बनेगा अ ग्रैंड पार्टी, यहां पर सब्जेक्ट बनेगा सिर्फ अ ग्रैंड पार्टी। कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जिनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, और आपको लिखा होगा कि चेंज द वॉइस इफ पॉसिबल। तो आपका यदि वॉइस चेंज नहीं होता तो आपको जैसा सेंटेंस दिया वैसा का वैसा लिखना है। जैसे हम कहें कि आई एम प्लेइंग विद मोहन, अब इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता क्योंकि आई एम टीचिंग मोहन, इसका बन सकता है मोहन इज बीइंग टॉट बाय मी, लेकिन आई एम प्लेइंग विद मोहन नहीं हो सकता। इसका पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मोहन के पहले प्रीपोजिशन लगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो आपको यही पहचानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है और उसे हम यूज कैसे करेंगे। तो यहां पर अब पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ ग्रैंड पार्टी इज बीइंग गिवन बाय मी टू माय ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन द वेरियस कंपनीज। अ ग्रैंड पार्टी इज बीइंग गिवन, किसको दी जा रही है, एक बड़ी सी पार्टी दी जा रही है, किसके द्वारा, बाय मी, और दी किसको जा रही है, टू माय ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है सिर्फ इतना सा, इसको उठा के सब्जेक्ट बनाया जाएगा, क्लियर। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, आई एम गिविंग आई एम inviting all the contestants या participants of college. I am inviting all the participants of Indian Idol in my college. ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम कॉलेज में किसको बुला रहे हैं, जरा ये देखो आप, क्या सभी पार्टिसिपेंट्स को बुला रहे हैं या ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडियन आइडल। यहां पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडियन आइडल आर बीइंग इनवाइटेड बाय मी इन द कॉलेज या इन माय कॉलेज। क्लियर है, डन। होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते समय जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट वो कैसे करना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला स्टेप तो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अब एक सिंपल सा रूल याद रखिए, जब नाउन दिया होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे लेकिन उसमें चेंज नहीं होता है। जैसे हम कहें कि रोमा हेल्प्स मनदीप, रोमा हेल्प्स मनदीप, अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा मनदीप इज हेल्प्ड बाय रोमा। मनदीप रोमा उठ के यहां, मनदीप यहां आ गया, रोमा यहां पहुंच गई है, लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि नाउन में चेंज नहीं किया जाता, चेंज होता है प्रोनाउन में, चेंज होता है प्रोनाउन में। और प्रोनाउन में चेंज कैसे होता है ये आप सब जानते हैं, बस याद करने या रिकॉल करने की जरूरत है। आई हो तो मी हो जाता है, वी हो तो अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही हो तो हिम हो जाता है, शी हो तो हर हो जाता है, इट हो तो इट ही रहता है, दे है तो देम हो जाता है, और हु है तो हूं हो जाता है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। क्लियर, होप कि आप सबको समझ में आ गया, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट सीखेंगे। तो बाय द टाइम हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।